हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज आकाश। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि पुरानी गाड़ी खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें सावधानी बरतनी चाहिए, गाड़ी में क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। दोस्तों, ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, मगर जितनी चीज़ें चेक कर पाता हूँ वो सब मैं चीज़ें आपको बताऊँगा। आओ चलते हैं आप वीडियो की तरफ, वीडियो शुरू करते हैं। हमें सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने से पहले क्या चीज़ सबसे पहले चेक करनी चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप कोई पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन आता है बॉडी लाइन का। सबसे पहले आप चीज़ चेक करेंगे एक गाड़ी की बॉडी लाइन। बॉडी लाइन दोस्तों फ्रंट से चेक करेंगे, साइड प्रोफाइल से चेक करेंगे। बॉडी लाइन का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे कि आपको ये चीज़ दिख रही है, ये गैपिंग, इसमें आपको देखना है कि ज़्यादा गैपिंग तो नहीं आ रही है कहीं। जैसे कि कंपनी से ये जो गैपिंग आप देख रहे हैं ना, ये कंपनी से ही ऐसी आई है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है दोस्तों। गैपिंग इसकी जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है, कहीं से भी आउट ऑफ टाइप नहीं जा रही है ये। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है। तो दोस्तों, सेकंड चीज़ आपको क्या चेक करनी है गाड़ी के ऊपर? पेंट, कि गाड़ी पेंटेड है नहीं है, ओरिजिनल पेंट में है या गाड़ी कहीं से भी पेंट कराई गई है। तो दोस्तों, ये चीज़ सबसे पहले आपको चेक करनी है। और दो बात और बता दूँ मैं, अगर गाड़ी साइड से पेंटेड है, जैसे कि दरवाजे पेंट है गाड़ी के और दरवाजे और बम्पर पेंट है, तो दोस्तों ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता। बम्पर का क्या है? बम्पर दोस्तों चलने में जब हम गाड़ी चलाएंगे रोड पे तो कहीं ना कहीं टच होते रहते हैं और ज़्यादातर बम्पर ही टच होते हैं, इसलिए बम्पर पे टचिंग वगैरह पेंटेड हो जाते हैं। इसमें कोई भी इजी सी बात है, कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, बम्पर टचिंग हो, साइड दरवाजे भी पेंट हो, साइड से गाड़ी थोड़ी बहुत पेंटेड मिले आपको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? गाड़ी की छत पेंट ना हो और सामने से दोस्तों ये बोनट देख रहे हैं आप, बोनट पेंटेड ना हो। दोस्तों, अगर बोनट और छत पेंटेड होगी, इसका मतलब आपकी गाड़ी जो आप देख रहे हैं वो एक्सीडेंटल है। क्योंकि दोस्तों, सामने से जब गाड़ी ठुकेगी, बोनट पे असर होगा, छत पे असर होगा। पीछे से क्या होता है दोस्तों? पीछे से हमारे पीछे वाले जब हम रोड पे चलते, पीछे के ड्राइवर होते हैं दोस्तों, वो कभी कभी टच कर देते हैं, तो डिग्गी भी मतलब पेंटेड होती रहती है ज़्यादातर तो। मगर बोनट और छत, ये चीज़ तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है दोस्तों। ये हो गई हमारी सेकेंड चीज़। तीसरी चीज़ क्या होती है? गाड़ी में कहीं से गलावट तो नहीं है, ये चीज़ चेक करनी है। अब गलावट मतलब ये साइड चीज़ देख रहे हैं अब, ये वाले, इसको आपको अच्छे से यहाँ से, ये जो चीज़ है इसको बहुत अच्छे से चेक करना है। नीचे झुक के भी थोड़ा सा यहाँ से चेक कर सकते हैं आप। यहाँ मेरा हाथ मतलब सही से नहीं दिखा पाऊंगा आपको कि यहाँ से कहीं गलावट तो नहीं है गाड़ी के अंदर। ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, अंदर से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, गलावट एक चीज़ जगह से और आप चेक कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप बूट ओपन करेंगे गाड़ी का, तो दोस्तों ये जो ये यहाँ पे मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं है, मैं नहीं दिखा पाऊँगा आपको, शायद ये दिख भी नहीं रहा है, तो इसको तो हम छोड़ ही देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अंधेरा हो रहा है थोड़ा सा। डिग्गी जब आप ओपन करेंगे, डिग्गी में नीचे का ये स्पेस देखेंगे, कहीं से गलावट तो नहीं है। स्टेपनी अगर आपकी रखी हुई है गाड़ी के अंदर तो स्टेपनी को हटाएंगे, मैट है तो मैट को हटाएंगे, अच्छी तरह चीज़ चेक करेंगे, गाड़ी गलावट तो नहीं है कहीं से भी। और दोस्तों, मेन चीज़ क्या आ जाती है? हमारा इंजन। दोस्तों, ये है हमारा इंजन। इसमें आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है मैं वो बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो आपको आना है यहां पे बोनट पे। दोस्तों, ये चीजें देख रहे हैं आप, ये चीजें, ये जो इसकी कॉर्निंग है, कोने हैं इसके, यहां से देखने हैं आपको कहीं से बेल्ट तो नहीं है, कहीं से बेल्ट नहीं है, ठुके पिटे नहीं है। जैसे कि दोस्तों ये होल देख रहे हैं आप, ये इसमें जेन्युइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन, कहीं से वेल्डिंग तो नहीं हो रही है। ये चीज़ें सबसे पहले आपको चेक करनी है इंजन में। अगर मैं सबसे पहला पॉइंट आपको ये बता दूं, अगर यहाँ पे आपको कहीं भी वेल्डिंग या कहीं भी कुछ भी आपको ऐसी टूट फूट दिखती है, कहीं पर वेल्ड हो रहा है, कहीं से पिचक रहा है, तो आपको गाड़ी डायरेक्ट छोड़ देनी है, आपको गाड़ी ही नहीं लेनी। सीधी सी बात यह है दोस्तों, ये बता देता हूँ। सेकेंड थिंग क्या है दोस्तों? ये जो इसके शॉकर पैनल देख रहे हैं आप यहाँ पे स्टैंड, अगर यहाँ पे ये आपको कहीं भी वेल्ड दिखते हैं, कहीं भी इस पे पेचिंग वगैरह या कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे आपको पेंट भी दिख रहा है कि यहाँ पेंट भी कराया हुआ है, तो इसका मतलब गाड़ी में कहीं ना कहीं झोल जाना है। ये भी आपको गाड़ी छोड़ देनी है, बिल्कुल लेनी ही नहीं है। इस पे पेंट होने का मतलब क्या है दोस्तों? गाड़ी ठुकी होगी, तभी जाके गाड़ी पे पेंटेड हुआ होगा। और दोस्तों, जो हर बंदा कोई भी चेक कराता है, नॉर्मल सी चीज़, फ्यूल गेज, इसको आपको ओपन रखना है, गाड़ी को स्टार्ट कर देना है और एक मिनट तक इसको निकाल के गाड़ी को स्टार्ट रहने देना है, एक्सीलेटर देना है। अगर आपका ये फ्यूल गेज में से धुआं देता है, अगर आपको उसमें से धुआं निकलता नजर आता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल 100% आई एम श्योर गाड़ी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों, मैंने वो जो आपको बताया है वहाँ पे शॉकर स्टैंड का, वो आपको यहाँ भी देख लेना है। और आपको अगली चीज़ क्या आ जानी है यहाँ पे दोस्तों? ये चीज़ें देख रहे हैं आप, ये चीज़ें,
इसको भी सेम यही चीज चेक करनी है आपको, कहीं से कोई वेल्डिंग तो नहीं कराई हुई है, कहीं से कोई पिचक तो नहीं रहा है, कोई ओवर यहाँ पे कोई होल वगैरह तो नहीं हो रहा है, ये सब चीजें पिचकने विचकने गलावट की ये सब चीजें यहाँ से, ये बहुत मेन चीजें हैं दोस्तों, ये आपको चेक करनी है। अगर यहाँ पे भी कहीं प्रॉब्लम आपको नजर आती है, गाड़ी बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपके मतलब की गाड़ी ही नहीं है, वो एक्सीडेंटल गाड़ी है 100% लिख के मैं कह सकता हूँ दोस्तों। और अगर इसमें जो नेक्स्ट चीज है चेक करने वाली वो तो आपको बहुत आसानी से पता है। और सेकंड थिंग एक चीज और बता देता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट करके आप 2 मिनट के लिए छोड़िए, पीछे जाइए, जो अपना साइलेंसर है रेस दीजिए, एक्सीलेटर दीजिए, अगर धुआं देता है वो धुआं देता है अपने साथ एक बंदे को लेके जाइए, धुआं कौन सा दे रहा है, व्हाइट धुआं दे रहा है ब्लैक धुआं दे रहा है, अगर वो ब्लैक धुआं देता है तो ठीक है, व्हाइट धुआं ज्यादा देती है गाड़ी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। गाड़ी को अच्छे से चेक करें दोस्तों, गाड़ी लेने से पहले ना देखो दोस्तों, आप 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी गाड़ी में, गाड़ी ले रहे हो अपनी पसंद की, तो आपका हक है गाड़ी अच्छे से चेक करना, उसके सर्विस रिकॉर्ड को चेक कराइए, कहीं पे कोई क्लेम तो नहीं हो रखा है, कोई चलान तो नहीं हो रहा है, कोई कुछ भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है गाड़ी में, सब चीज़ें चेक कराइए तब जाके गाड़ी लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी लाता रहूँगा।